हाँ जी मैडम। सर हमारे यहाँ 4-5 घंटे से लाइट नहीं है और इसकी बैटरी चलेगी सर, आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब में डाल दीजिएगा। अच्छा ये पूछ तो लीजिए आप, सर ये कि लाइट कब आएगी, कोई नहीं पूछता है। अरे भाई उन्होंने नहीं पूछा, तुम्हें क्या करनी है लाइट। ठीक है मैडम, मैं डाल दूंगा जी इसको। अच्छा 53 है इस सीट की, नारायण साई कब पकड़ा जाएगा ये पूछना चाह रहे थे। तो इनका कोई मतलब वैसे इनका कोई लेना देना नहीं, क्यूरियोसिटी है तो ओके विल टेक। अब ये है कि दिल्ली का हमें बर्थ लेना पड़ेगा, दिल्ली का लेना पड़ेगा, अभी का टाइम लगा देंगे। और देखते हैं उसमें नहीं साहब, यहीं का लगाना पड़ेगा, जहाँ पर प्रश्न हम बैठे हैं वहीं का लगा। अगर ये अमेरिका से सवाल आता है कि नारायण साईं का पक्का पकड़ा जाएगा, हम यहीं का लगाते हैं। ठीक है सर। हाँ जी सर। अभी ये आ गया वीनस जुपिटर सन, वे 2-3 8 बनाएंगे। क्वेश्चन में 2-3 8 बना केतु में है, राहु में है और शनि में। सन नहीं, इनसे इनका कोई रिलेशन तो नहीं है। तो सुखता एक मिनट, एक और लगाना, एक और खोलना यार, मजा से नहीं आया। नहीं पकड़वा नहीं रहे, यही आएगा अगर यही आना होगा। आराम से बैठ के करना चाहिए आपने, गलत काम करते हैं। नहीं बंदा सामने बैठे हो, देखिए ये तो लर्निंग वाली बात है। नहीं नहीं फिर भी तरीका तो अडॉप्ट करें ना, फिर तरीका अडॉप्ट नहीं करते फिर उत्तर गलत आते हैं। सर व्हाट इज द क्वेश्चन, प्रश्न आया कि नारायण साईं कब पकड़ा जाएगा। ठीक है तो नारायण साईं बड़ी जल्दी पकड़ा जाएगा, ये आ रहा है वीनस जुपिटर और सन। तो जुपिटर और सन जो है दैट आर सिग्निफाइंग 2-3 8-12। तो जुपिटर आ गया 2-3 8-12, सन आ गया 2-3 8-12। ठीक है तो ये पकड़ा जाएगा जल्दी। ठीक है लेकिन इसमें 10-11 भी आ रहा है, वो भी देखते हैं यार बेल मिलेगी, लगता है बेल ही मिल जाए। बेल तो मिल ही जाते हैं। नहीं नहीं कहाँ से, कहाँ सारा वो कहाँ है, 2-3 8-12 तो है। तो ये अभी आ जाएगा, अब वीनस जुपिटर सन लाइम लाइट में तो आ ही जाएगा। अब ये सन मरकरी राहु इकट्ठे हैं, अब इसको डिस्प्ले लगा के ट्रांजिट पे जाते हैं हम जरा, क्योंकि हमें वो निकालना है, क्या नाम है, टाइम मतलब डेट निकालने की कोशिश करनी है। 29 अक्टूबर आ रहा है कि 29 अक्टूबर तक पकड़ा जाएगा। तो ये आ गए हम डिस्प्ले, तो ये अब आ गया कि सन राहु सैटर्न और मरकरी ये इकट्ठे हैं। राहु खराब है, सन खराब है, सैटर्न भी खराब है, सैटर्न भी खराब है। ठीक है तो इसको चला के देख लेते हैं आगे। ये सन राहु ये इकट्ठे हो गए ना, तो ये वही 29 अक्टूबर के आसपास ही आ रहे इकट्ठे। तो ये 29 अक्टूबर, आज क्या होगी डेट 20, तो ये बस ये है कि हफ्ता है, हफ्ते में पकड़ लेंगे जो भी कारण। दिल्ली में सर आपकी कितनी सीटें हैं? ओ यार दिल्ली में आपकी कितनी सीटें आएंगी? लो जी आपकी कितनी सीटें, 70 सीट्स। ठीक है तो अब इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें आ गया है कि हम अभी टाइम लगा दिया, तो ये आ गया 20 अक्टूबर 2013 का भी लगाया हमने, तो ये
जुपिटर इज नॉट वेरी गुड, मर्करी जुपिटर खराब है, आई एग्री वेरी राइट। और मून जो है वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, इसका मतलब कोई खास बात नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं आना है इनका। तो अभी एक आइडिया ही लेना पड़ सकता, ठीक है, परसेंटेज। वीनस बहुत बढ़िया, इट मीन्स ये है कि ये जो पार्टी है अपना असर तो दिखा देगी, बेस बन गया है, दशा इज बेस। कौन कौन से नंबर लेंगे सर? वो बिल्कुल ठीक सर, पहले हमें देखना है कि नंबर लेने हैं, अगर ये मेजोरिटी में आ जाते हैं तो इट इज 2611। आपकी बात, इफ हार जाते हैं तो 6-8-12, तो 6-8-12 ही है, तो ये सिलेक्शन में तो हार ही जाएंगे। तो 70 में से 35 सीटें का तो मतलब ही नहीं, ये तो बहुत क्लियर होगी। अब 35 में से कितनी मिलनी है वो हमारा है, वो है। अब भी एक अंदाजा ही हम लगा सकते हैं कि कितने 6-8-12 है, कितने 10 है। अब इसमें देख रहे हो मून में 10-11 है और 6-12 आ गए, इसमें सिर्फ 10 ही है, बुक्ति स्ट्रॉन्गर। अब दशा का भी ले लें तो मतलब 8-10 सीटों की बात है, इससे ज्यादा कोई खास लंबी जोड़ी, एक अंदाजा मेरा, ये कुछ फिक्स नहीं है, 12 भी हो सकती है। तो ये मतलब 20 कह रहे हैं, 20 शायद नहीं आए, हो सकता है इनकी 10-12 है। नहीं मुझे नहीं पता, उस तक 20 भी आ जाए, बट ये जो बता रहा है ये एक तो बड़ी क्लियर है कि मेजोरिटी आ रही है जो हमारी ज्योतिष बता रही है, और ये है कि उससे 35 से आधी भी आ जाएंगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो उससे भी कम है, मतलब 12-13-10 यही 17 से कम है। हाँ 17 से कम है, अंदाजन है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर अब आप बताओ क्या आपका प्रश्न था? सर कल का था सर टाइम 139 19-10 में क्वेश्चन ये था, सीट था 133, और उसमें क्वेश्चन ये था कि दुकान है वो चढ़ेगी किराए पे या नहीं चढ़ेगी या कब चढ़ेगी? दुकान किराए पे चढ़ेगी, दुकान जो है दुकान चढ़नी है 4-6-11, ठीक है। अगर 4-6-11 नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना यार, काम का तो टेंशन, अब देख लेते हैं। केतु है, केतु में कुछ नहीं बता रहा, नेगेटिव। एक्चुअली केतु का क्या है, केतु है केतु में कुछ नहीं बता रहा नेगेटिव। राहु है, उसमें 4-6-8-12-10-11 डिस्प्यूट ही है, तो केतु राहु डिस्प्यूट है। जुपिटर में कुछ दम है, वो नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, उसमें 4-6-11 है, साथ में नेगेटिव उतने नहीं है, 6-12 है। तो मतलब उसका मतलब ये हो गया कि जितने डिजायर्ड आप पैसा मांग रहे हो वो नहीं मिलेगा, इसका मतलब केतु में राहु मई 2014 तक कुछ नहीं होना, वैसे मई 2014 के बाद ये जुपिटर और ये शनि भी गया हुआ सर, शनि 1-4-5, 1-3-4, 6-8-11, 6-10। तो मतलब अगर आप चाहोगे तो बहुत कम मतलब पैसे में कुछ जून जुलाई में हो जाए तो हो जाए, बाकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये जवाब, यही जवाब है, नहीं इसके हिसाब से नहीं, इसमें इसका मतलब यही है सर, अगर आप दुकान चढ़ाने के 10,000 में मांग रहे हो तो आपको 5,000 मिल जाए तो बड़े हैप्पी हो जाओ आप। इसमें सर एक और चीज, और दूसरा है कि ना चढ़ाओ तो अच्छा, क्योंकि बाद में भी डिस्प्यूट मतलब वो घेर लेगा या जो भी हो, भले हाँ, और वो चढ़ेगी तो इतने में चढ़ेगी, और वो भी चढ़ेगी तो मई के बाद। अगर उत्तर सही नहीं आ रहा तो इसका मतलब सही नहीं आ रहा है, नो टेंशन, ठीक है, ठीक है ना सर। ये करत व्यास है, 3-4-5-6-8-10-11 सर, ये करत व्यास है जी। उमंग जी आप बहुत अच्छे नेट पे कुंडली पे चारा था, मैंने सभी एस्ट्रोलॉजी करके ग्रुप में जो है ना ज्वाइन कर लिए इसे, तो एक लड़के ने सर डाला हुआ था कि एक लड़की है, शी इज ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब फॉर पास्ट 2 ईयर्स, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, तो कब मिलेगी, कुछ और चीज के लिए ट्राई करे या क्या करे, उसने उसे आंध्र प्रदेश का डाला था, ये इसमें सर डाला था 10 मार्च 1990 9:15 PM मतलब
एरिया है TANUKU प्लेयर आइकन, इसके अंदर इसने पूछा था कि ये ही ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब पास्ट 2.5 इयर्स और जॉब मिल नहीं रही है और पेंशन में हुआ था लड़की शी, तो क्यों है ओके तो अभी जॉब के लिए कंटिन्यू करते रहे ट्राई या किसी और चीज के लिए ट्राई में नहीं मिलेगी ना उसमें सर जो मिले आंसर आया था इसको कमेंट करके आया था कि ही इज नॉट ट्राइंग फॉर द जॉब ही इज वेल फ्रॉम बैकग्राउंड अच्छे पैसे में है कपड़े में वो शी इज इन लव अफेयर विद समबडी और शी वाज रिच नॉट बिकॉज ऑफ द जॉब वहां से रिप्लाई आया था बिल्कुल पॉजिटिव रिप्लाई आया था उसने मुझे पूछा तो क्या वो लड़के से ब्रेकअप कर ले क्या वो ब्रेकअप करके फिर ट्राई करे आप आंसर कुछ बोल रहे हो और वो मान रहा उसने ये डाला कि क्या करें मैंने उसमें रिप्लाई डाला कि शी इज नॉट ट्राइंग फॉर द जॉब वो मतलब एक पेपर दे रही है बट इंटरव्यू शी इज नॉट ट्राइंग फॉर द जॉब वो कर ही नहीं ले रही उसने व्हाट ही इज सेइंग इज उस लड़की के पांच अड़वाना होता है तो इन्होंने उसका निष्कर्ष ये निकाला है कि वो तो मोहब्बत में है तो क्या यार जॉब करनी मुझा से और 8-11 बहुत है तो इट मीन शी मे बी फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली तो क्या पंगा लेना है तो उन्होंने ये जवाब दिया तो वो उन्होंने कन्फर्म किया ही बाकी बाकी आप थोड़ा 2-1-6 आ रहा है वो इसलिए टेंशन आज टेंशन में है कि वो पंगे में टेंशन में